दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिनको देखकर कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर देखा होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जगह पर तकरीबन 9 लोग झुंड बनाए हुए खड़े हैं, जिनमें औरतें भी हैं और उनके हाथ में मासूम बच्चे हैं जो पानी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर उनके आसपास में बहुत से लोग ऐसे खड़े नजर आ रहे हैं जो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे ये लोग बच जाए, मगर कोई भी उन्हें बचा नहीं पा रहा था, तो आखिर एक एक करके सब पानी में बह गए। ये मंजर देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। सच में ये एक ऐसा दर्दनाक वीडियो है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। वो वाकया कैसे पेश आया? वो परिवार तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला था। आखिर वो मुंबई के और पूना के बीच में जो लोनावला है, उस शहर में कैसे दाखिल हुए? आखिर इन लोगों को यहाँ पर क्यों आना पड़ा? और यहाँ आने के बाद इनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया? इनके परिवार की पूरी कहानी आज को हम A to Z पूरी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, जिस अंसारी परिवार के 9 लोग एक साथ पानी में बह गए हैं, ये परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला है। यहाँ पर एक सलमान अंसारी नाम के मौलाना है। ये सब इन्हीं के परिवार के लोग थे। ये परिवार 28 जून को पूना में एक शादी के प्रोग्राम में आए हुए थे। 28 तारीख को यहाँ पर शादी थी और 29 जून को यहाँ पर वलीमा था। इसमें इन परिवार वालों ने शिरकत की थी। फिर 30 जून को इन्होंने वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूना के आसपास में घूमने फिरने लायक सबसे अच्छी जगह लोनावला है। यहाँ पर हर साल बारिश के मौसम में लाखों लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है लोनावला का डैम, जिसको भूसी डैम कहा जाता है, जो लोनावला में ही पड़ता है। ये पहाड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। लोनावला की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ का नज़ारा बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। बस इसी वजह से इस अंसारी परिवार ने लोनावला पहाड़ियों में घूमने फिरने का प्लान बना लिया और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये किसको पता था कि इनका ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा और ये पिकनिक इनकी ज़िंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। बस एक गलती, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद ये सब लोग लोनावला में आ गए और घूमने फिरने लगे। ये लोग इस भूसी डैम के पास, जहाँ सारे लोग खास घूमने जाते हैं, जहाँ पानी झरने की तरह गिरता है, तो ये लोग यही बैठ कर मज़े करते हैं। लेकिन ये जो अंसारी परिवार था, ये भूसी डैम ना जाते हुए ये उस जगह गए जो उससे भी अंदर जंगल में है, और उस जगह पर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ प्रशासन ने जाने से मना किया है। फिर इनमें से 9 लोग आकर उस अंदर जंगल में जो झरना है, उसके बड़ी सी चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रिमझिम बारिश होने लगती है, तो ये लोग उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऊपर से गिर रहा होता है, छोटा सा झरना होता है, बारिश का सारा पानी पहाड़ियों पे गिरता है और जमा होकर वहाँ पे आता है जिस चट्टान पर ये बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे, औरतें और आदमी भी थे। ये लोग सब इस जगह पर रुके, तो उस वक्त पानी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था। इस जगह का आज का वीडियो आप देखिए, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी इतना नहीं है जितना आपने वीडियो में देखा था जब ये लोग बह के गए थे, तो बहुत ही थोड़ा सा पानी था, तो ये वहाँ पे सुकून के साथ बैठे हुए थे। तो ये लोग जब वहाँ गए, वहाँ बैठे हुए थे, तो ऐसा ही वहाँ पे मंज़र था। पानी ज़्यादा नहीं था, रिमझिम बारिश थी, हरियाली थी। जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर यहाँ पर चारों ओर का पानी एक साथ इकट्ठा होकर बहने लगता है और झरने का रूप ले लेता है, और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से इस पानी की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, अचानक से बढ़ जाता है। बस यहाँ पर भी यही वजह रही कि ये सब लोग उस चट्टान पर बैठे मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक ही पानी की रफ्तार बढ़ गई, पानी तेज़ तेज़ बहने लगा। ये सब देखकर ये लोग आने वाले खतरे को भांप ना सके,
इन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा यहाँ पानी नहीं बढ़ेगा, यानी थोड़ा सा पानी बढ़ गया था। इन लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, अब ये पानी वापस पहले जैसा हो जाएगा। बस इन लोगों ने यहाँ पर यही एक गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी की रफ्तार एक सेकंड में ही बढ़ गई, जिससे इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बाहर आने का। ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इन लोगों को लगा कि बस इतना ही बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इस थोड़े थोड़े के चक्कर में पानी मिनटों में इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि फिर यहाँ से एक पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया। अब ये पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह से उस चट्टान पर पानी में फंस चुका था। इसमें टोटल 9 लोग थे। अब यहाँ सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी थे और डर इनकी चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था। इनमें से एक 4 साल का बच्चा था, एक 13 साल की बच्ची थी और एक 1.5 साल का बच्चा था, जो अपनी माँ की गोद में आप देख सकते हैं। अब इनको फंसा हुआ देखकर परिवार के जो बाहर जो खड़े हुए लोग थे, जो दूसरे लोग थे, उनको शुरू शुरू में भी ऐसा ही लगा कि यह पानी जिस तरह एक साथ में बढ़ा है वो उसी तरह शांत हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, पानी तो बढ़ता ही चला गया। फिर जब इनको लगा कि अब ये पानी नहीं रुकने वाला है, तो फिर ये लोग, यानी जो बाहर खड़े हुए लोग थे, उनको कहने लगे कि वो लोग यहाँ से हिले नहीं, अपना पैर ना हिलाए। अब इधर यहाँ सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हुए थे, इसी उम्मीद में कि शायद यह पानी कम हो जाएगा और वो बच जाएंगे। और बाहर जो खड़े हुए लोग थे वो बस उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों को तोड़ा और उन तक फेंकने की कोशिश की, आप वीडियो में देख सकते हैं, मगर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, बाहर खड़े हुए लोगों ने भी एक गलती कर दी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो लोग अगर चाहते तो इन लोगों को बचाने की और ज़्यादा कोशिश कर सकते थे। जैसे इनके पास ओढ़नियाँ थी, दुपट्टे थे, कपड़े थे, तो ये लोग उनकी एक रस्सी बनाकर उन तक फेंक सकते थे। तो खैर, ऐसे मौके पर, ऐसी घबराहट में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो ये तो जाहिर सी बात है। तो वो लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। शायद इन लोगों की मौत इसी बहाने से लिखी थी, इसीलिए बाहर खड़े वो लोग कुछ ना कर सके। और दोस्तों, इस घटना का जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी का बहाव वहाँ पर अगर अचानक बढ़ जाता है तो वहाँ पर सरकार को या प्रशासन को वहाँ पर एक बोर्ड लगाना चाहिए था, वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए थी, या वहाँ पर कुछ ऐसे गार्ड होने चाहिए थे जो या आने से ही रोके लोगों को। अगर वहाँ पर गार्ड होते तो ये लोग आगे ही ना बढ़ते, या वहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड होता, डेंजर लिखा हुआ होता, तो ये लोग वहाँ जाने से डरते। तो फिर एक एक करके ऐसे ही पानी में ये लोग बहते गए। फिर रेस्क्यू टीम को आने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग गए। दोस्तों, बता दें कि ये घटना 30 तारीख दोपहर 1 से 2 बजे के बीच की है। सर्च ऑपरेशन में 3 लोगों की बॉडी तो मिल जाती है, फिर इसके बाद में अगले दिन एक और बॉडी मिलती है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी फिर भी नहीं मिलती है। इसीलिए फिर यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी रहा और फिर आखिरकार 4 जुलाई को उस बच्चे की भी बॉडी मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो दोस्तों, हमें भी इस चीज़ से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम जब भी कहीं घूमने जाए, बाहर जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए या दोस्तों के साथ जाए, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें कभी भी पानी के नज़दीक नहीं जाना है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, पानी और आग, इन दो चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए और फोटो रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को अवेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।